ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से भी पॉलीथीन लगा रखा है। सिर्फ जितना प्लांट की जो स्पेस है निकलने का मिट्टी में से, वो ही छोड़कर बाकी सब बिल्कुल पैक किया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे ऑनलाइन, उसके थे एंथूरियम के थे शायद, हाँ, तो वो आज आ गए हैं। तो आज मैं उन्हीं की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, देखते हैं कैसे। पैकिंग तो सही कर रखी है, बाकी अंदर क्या कंडीशन है वो देखते हैं। ये पहला मैंने खोला है, बहुत ज्यादा केयरफुली पैकिंग की हुई है। इसे प्लांट को बांध रखा था ताकि इधर उधर ना डोले, ऐसा लग रहा है मेरे को। खोल लिया, पता नहीं चलता, विद पोर्ट है ये, छोटे छोटे पोर्ट हैं, इतने बड़े पोर्ट तो हो नहीं सकते इतनी पैकिंग में। ये देखिए, मिट्टी भी गिर रही है, ओ सॉरी। है ना, फ्रेश है एकदम, है तो छोटी साइज के, लेकिन ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है एकदम, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं है बिल्कुल भी। और ये भी इन्होंने बिल्कुल पैक करी हुई है, लेकिन यहाँ से प्लांट वाली जगह से थोड़ी बहुत हिल के ट्रांसपोर्ट में इतनी तो निकल ही जाती है। और ये मैंने 4 कलर मंगवाए थे, 1089, 1069 ऐसे कुछ पड़े थे। तो जो हमें नर्सरी से मिलते हैं ऑलमोस्ट वही रेट हमें मेरे को इससे पड़े थे। 4 प्लांट हैं, सभी को मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे थे और मेरी उम्मीद के हिसाब से परफेक्ट हैं। अभी मैं सारे आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है, तो खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पूरे खोल के फिर आपको प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 मंगवाए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये तो पर्पल वाला है, पर्पल फ्लावर खिला हुआ है और न्यू ग्रोथ बहुत है इसमें। और ये पिंक में है, एक ये खिला हुआ है, एक अभी स्टार्टिंग है ब्लूमिंग, और ये रेड में है। ये देखिए, ये रेड कलर में है, इसमें भी एक ही ब्लूमिंग है, और ये वाइट में है, इसमें भी एक ही ब्लूमिंग है। चारों का साइज एक ही है तकरीबन, और बहुत अच्छी पैकिंग थी।
ये देखिए प्लांट के ऑक्सीजन के जाने के लिए भी होल किया हुआ है और तार से बांधा हुआ था ताकि पॉट इधर उधर ना लूटे, और कोकोपीट में लगाया हुआ है। बहुत अच्छी पैकिंग है, तो आई एम सेटिस्फाइड। आई होप आपको ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर बनता है, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और आज मैं इसी की वेट कर रही थी, मैंने कहा ये आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको आज ही अपलोड करूंगी। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, और मैं इसको अभी 4-5 दिन रखूंगी, पानी दूंगी क्योंकि सूख चुका है इसमें कोकोपीट बिल्कुल। और फिर 4-5 दिन के बाद जब ये फैमिलियर हो जाएंगे गार्डन से, तब मैं इसको सबको बड़े पोट में लगाऊंगी, क्योंकि ये देखिए बहुत छोटे पोट हैं, इनमें इनकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, नए अपडेट में नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।